कलवा खाड़ी में मिले शव की गुत्थी कलवा पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने मुंबई के गोवेंडी इलाके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस हत्या के पीछे रुपयों का लेन देन का मामला बताया जा रहा है। कलवा पुलिस ने 1 दिसंबर को कलवा खाड़ी से एक शव बरामद किया था। जांच में युवक की हत्या की बात सामने आई थी। पुलिस को मृतक के शर्ट पर गोवेंडी शिवाजी नगर के एक टेलर का नाम लिखा हुआ मिला था, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस की टीम छानबीन में लग गई थी। टेलर से पूछताछ के बाद शव की पहचान मोहम्मद आसिफ के रूप में हुई थी। इसके बाद पुलिस ने मोहम्मद आसिफ से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की और तकनीकी आधार पर जांच कर मुख्य आरोपी निजामुद्दीन शेख सहित 2 लोगों को और पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार निजामुद्दीन की बहन ने मृतक से रुपये लिए थे। उसी रुपयों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच में कहा सुनी हुई थी और रुपये न मिलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। निजामुद्दीन ने अपने 2 साथियों की मदद से रुपये देने के बहाने मोहम्मद आसिफ को अपने घर बुलाया था और घर आए मोहम्मद आसिफ की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को बोरी में भरकर रात के समय खाड़ी में फेंक दिया था। आपको बता दें, पुलिस ने इस हत्या के मामले में जिन 3 आरोपियों को पकड़ा है उनके नाम है निजामुद्दीन शेख, मिर्जा अली नवाब और मोहम्मद इरफान खान, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी और मृतक मोहम्मद आसिफ ये सभी गोविंदी के शिवाजी नगर के ही रहने वाले हैं। इस मामले में कलवा में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी गई है, एक तारीख को कलवा पुलिस स्टेशन के हद में कलवा क्रीक बीच के नीचे हमें एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली थी। जब हमारी पुलिस स्टाफ वहाँ पे पहुँच गया तो पता चला कि 30 से 40 उम्र का वो इसम की डेड बॉडी थी और उसके हाथ पैर दोनों बांधे हुए थे, रस्सी से बांधे हुए थे और उनके बॉडी पे पूरे इंजरी मार्क्स थे। उसके तहत हमने 302 का गुनाह दाखिल किया कलवा पुलिस स्टेशन में और इमीजिएटली हमारी जो टीम है PI मनोहर आवाड़ के जो हमारे सीनियर PI है उन्होंने PI आजगावकर, PI के कुंवर, PI दिनकर, API दिनकर, PSI कवले इनके टीम्स ने इमीजिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि जो मृत इंसान थे उनके शर्ट पे एक टेलर का नाम उस पर लिखा हुआ था। उससे हमने आगे इन्वेस्टिगेशन जारी किया। उससे पता चला कि जो मैथ इसम है उसके आइडेंटिफिकेशन हमें हो गया, उनका नाम शेख मोहम्मद आसिफ ऐसा है और वो रहने वाले शिवाजी नगर गोवंडी के हैं। उसके बाद हमारी पूरी टीम वहाँ पे गोवंडी में ही इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी गई थी और 24 घंटे के अंदर हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके नाम है मिर्ज़ा अली नवाब, निज़ामुद्दीन शेख और इरफान खान। प्राइमा फेसी जो मोटिव है गुने का वो पैसों के झगड़ों के वजह से हुआ है ऐसा अभी तक पता चला है। अभी तो जस्ट सबसे हमारा प्राइम मोटिव था कि 24 घंटे में हमने ये सीरियस ऑफेंस हमने डिटेक्ट किया है, 3 आरोपियों का अरेस्ट किया है। इसके आगे फिर हम लोग उनकी पुलिस कस्टडी लेके आगे के सब इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें। सर, बॉडी को देख करके आपको बॉडी मिली उसके बाद में PM के लिए आपने भेजा रहेगा तो वो कितने दिन पहले उनको मार के फेंका गया था? फ्रेश बॉडी थी, फ्रेश इंजरी मार्क्स से और उसके सर टेलर का जो नाम आपने बताया वो टेलर का नाम कुछ नाम से बहुत से लोग हो सकते हैं तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि टेलर यही का है? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन।